नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हेल्थ एंड वेलनेस को स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में। और दोस्तों, टिल नाउ वी डिस्कस अबाउट टू मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड फैट। एग्जैक्टली, आप में से बहुत से लोग डर गए होंगे फैट का नाम सुन के, बट बिलीव मी, अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए फैट कितना इंपॉर्टेंट है, कौन से फैट आपके फ्रेंड्स हैं, कौन से फैट आपके दुश्मन है, किन किन फैट से आपको बचना चाहिए और कितना फैट आपको लेना चाहिए, फैट कौन कौन से फंक्शन में हमारा हेल्प करते हैं बॉडी में, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और 200 का लाइक का जो टारगेट है वो कंटिन्यू है, आपको कंप्लीट करना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट विद फैट। दोस्तों, हम बेसिकली फैट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा बॉडी फैट, सेकेंड इज ए डाइटरी फैट, मतलब वो फैट जो हमें हमारे खाने से मिलता है। तो अगर हम अपने डाइट से मिलने वाला जो फैट है उस पर कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो बॉडी फैट होता है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहेगा। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाइटरी फैट के बारे में। डाइटरी फैट्स आर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड दैट आवर बॉडी यूज्ड टू बिल्ड नर्व सिस्टम एंड हार्मोन्स। एग्जैक्टली, फैट मॉलिक्यूल्स आर कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड दे आर नॉट सॉल्युबल इन वॉटर। जैसे मैंने आपको बताया था जो प्रोटीन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो एसिड होता है, वैसे ही हमारे फैट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फैटी एसिड होता है। अब आप समझिए कि हमारे खाने से फैट भी मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फैट हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को बेटर करने में हेल्प करते हैं और बीमारियों से भी हमें बचाते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो खाना खाते हैं उसमें बैड फैट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम लोगों में बढ़ते जाता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम लोगों को होने लगता है, स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो एग्जैक्टली हमें समझने की जरूरत है कि हमें कौन सा फैट लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फैट। एक्चुअली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फैट। फर्स्ट इज सैचुरेटेड फैट। अब आप समझिए एग्जैक्टली सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था फैट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम बोलते हैं फैटी एसिड। तो ऐसे फैट जिनके फैटी एसिड टाइटली पैक्ड रहते हैं विथ नो डबल बॉन्ड, मतलब क्या, जब फैट के फैटी एसिड के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता हम उनको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। और मोस्टली जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और सैचुरेटेड फैट को हम अनहेल्दी फैट भी बोलते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें ये कम मात्रा में चाहिए रहता है, हमें ये ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जब सैचुरेटेड फैट को ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारा जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल मतलब क्या, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ने लगता है, जिससे क्या होने का चांसेस, हार्ट रिलेटेड चांसेस बढ़ जाता है, ओबिसिटी के चांसेस बढ़ जाता है और कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो हमें जो सैचुरेटेड फैट है वो कम से कम मात्रा में लेना चाहिए। और एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जो डेली बेसिस पे आप खाते हैं और जिसमें सैचुरेटेड फैट होता है, लेकिन आप टेस्ट की वजह से खाते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कि बटर आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बटर ब्रेड में भी लगा खाते हैं, रोटी में भी लगा खाते होंगे, बहुत से लोग दाल में भी डाल के खाते हैं बटर। चीज हो गया चीज, आप डबल चीज बर्गर लेते हो, पिज्जा लेते हो, तो चीज में भी सैचुरेटेड फैट होता है, होल मिल्क में भी सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। आप आइसक्रीम खाते हैं जो आपको टेस्ट में बहुत मजा आता है, गर्मियों में लोग बहुत आइसक्रीम खाने वाले, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा मिलता है। फ्राइड चिकन खाते हैं लोग, उसमें भी सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है। तो आप समझिए सैचुरेटेड फैट हमारे हार्ट
के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप ये सब खाते हुए ध्यान देना है कि आपके शरीर के लिए अच्छा है या नहीं है। जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं उन पे आपको फोकस करने की जरूरत है और उनको कम से कम खाने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप फैट की। सेकेंड टाइप ऑफ फैट इज कॉल्ड ट्रांस फैट। ट्रांस फैट को हम बैड फैट भी बोलते हैं, मतलब जो सबसे डेंजर फैट होता है आप उसको ट्रांस फैट बोल सकते हैं। इसे हमें मिनिमम अमाउंट में या बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, आप समझ सकते हैं। लेकिन आजकल आप जो फेवरेट आपकी चीजें हैं उसमें ट्रांस फैट मिलते हैं। जैसे आप केक्स खाते हैं, चॉकलेट केक आपको बहुत अच्छा लगता है या बहुत सारे जो केक्स मिलते हैं ये सब में ट्रांस फैट ज्यादा मात्रा में होता है। फ्रेंच फ्राइज आप जाके बड़े बड़े शॉप्स में खाते हैं ये सब में ज्यादा होता है। क्रैकर्स खाते हैं आप, चिप्स वगैरह खाते हैं, डिजर्ट्स जो भी जितने भी डिजर्ट होते हैं ये सब चीजों में ट्रांस फैट पाया जाता है। फ्राइड जो चीजें होती हैं ये सब में ज्यादा फैट मिलता है। आपका फास्ट फूड जो आप बाहर खाते हैं सबसे ज्यादा ट्रांस फैट मिलता है इन सब चीजों में। तो मैं आपको बोलूंगा जितना कम मात्रा में हो सके उतना कम मात्रा में खाइए। आप मूवी देखने जाते हैं तो माइक्रोवेव जो पॉपकॉर्न होता है वो खाते हैं, उसमें भी ट्रांस फैट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ट्रांस फैट जो होता है ये सबसे डेंजरस फैट होता है। मैं आपको बोलूंगा जितना कम कर सके आप उतना कम खाया जाता है। ट्रांस फैट की वजह से हमारा HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, वो कम हो जाता है, LDL ज्यादा हो जाता है। इससे हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ने लगते हैं, स्ट्रोक के प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो आप समझिए जितना कम हो सके उतना कम ट्रांस फैट आप लीजिए। थर्ड टाइप फैट इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड फैट। आप इसको गुड फैट भी बोल सकते हैं। तो अनसेचुरेटेड फैट क्या होते हैं, जिसके फैटी एसिड के बीच में मिनिमम 1 डबल बॉन्ड होते हैं। अगर एक डबल बॉन्ड रहेगा तो उनको हम बोलते हैं मोनो अनसेचुरेटेड फैट। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड रहते हैं फैटी एसिड्स के बीच में तो हम उनको बोलते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फैट। ये फैट हमारे हार्ट के लिए और हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अनसेचुरेटेड फैट को हम बोल सकते हैं हमारे फ्रेंड्स, हमें इनको ज्यादा लेना चाहिए। आप समझिए कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। अगर जनरली मैं एग्जांपल बताऊं तो आप वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए, जैसे आप सनफ्लावर लीजिए, कॉर्न हो गया, कैनोला हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, फैटी फिश सच एज सैल्मन, टूना, ये सब चीजें आपको क्या देती हैं, अनसेचुरेटेड फैट देती हैं। पीनट बटर हो गया, पीनट हो गया, आप नट्स सीड ले लिए, ऑलमंड्स ले लीजिए, कैश्यूज ले लीजिए, ये सब चीजों से हमें क्या मिलता है, अनसेचुरेटेड फैट। आपको मैं बताऊं पॉलीसेचुरेटेड दो फैट बहुत जाने जाते हैं, एक है ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड सेकेंड इज ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये आप जनरली आप देखे होंगे, सुनते होंगे लोगों से। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्ट के लिए। तो आप डेली बेसिस पे ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने चाहिए क्योंकि हमारा बॉडी नहीं बनाती है। अब कौन कौन सी चीजें आती हैं, जनरली मैंने बता दिया। अगर मैं इसको डिवाइड करके बताऊं तो आप ब्लैक बीन्स होते हैं, कैनोला ऑयल जो होता है, कॉलीफ्लावर्स हो गया, सैल्मन फिश हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, सोयाबीन जो आप खा सकते हैं, टूना, वॉलनट्स, ये सब चीजों में ओमेगा 3 ज्यादा होता है। और अगर मैं बात करूं ओमेगा 6 की तो ये हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओमेगा 6 किस में पाया जाता है, अगर मैं बात करूं कैश्यूज लेते हैं उसमें भी ओमेगा 3 होता है, कोकोनट ऑयल में होता है, आप कॉर्न में भी होता है, फ्लैक्स सीड्स में होता है, सोयाबीन ऑयल में भी होता है, वॉलनट्स में होता है, होल ग्रेन ब्रेड आप लेते हैं उसमें होता है। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशियो आपको रखना है 1:1 ट्राई करना है मेंटेन का, लेकिन 1:3 मैक्सिमम चलेगा। मतलब अगर आप जो ओमेगा 3 जितना ले रहे हैं उसके थर्ड आप 3 टाइम्स आप क्या ले सकते हो ओमेगा 6, तो 1:3
थ्री का रेशियो आप मेंटेन कर सकते हैं। तो जो अनसेचुरेटेड फैट है वो हमारा दोस्त होता है, ओमेगा थ्री और ओमेगा सिक्स आपको बैलेंस मात्रा में लेंगे तो आपका हार्ट और आपका ब्रेन दोनों प्रॉपर काम करेगा। नाउ अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ फैट्स। हमारे बॉडी में फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं पहले फंक्शन की मैं बात करूं, फैट हेल्प्स टू ऑब्जर्व सम विटामिन्स इन आवर बॉडी। कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जैसे विटामिन ए डी एंड के, ये विटामिन्स हमारे बॉडी में फैट के थ्रू ही ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो हमें रेगुलर मात्रा में गुड फैट लेना चाहिए। अगर मैं सेकेंड फंक्शन की मैं बात करूं, फैट्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने आपको पहले बताया था कि 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 किलो कैलोरी एनर्जी, तो हमें एनर्जी फैट से मिलती है। और मैं आपको बताऊं, ये जो फैट्स होते हैं ये एनर्जी स्टोर भी करते हैं फैट टिश्यू में, और जब हमारे शरीर को जरूरत होती है तो ये एज अ फैटी एसिड हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं फंक्शन की मैं बात करूं, फैट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हॉर्मोन्स। आपने हार्मोन अनबैलेंस सुना होगा, है ना, बहुत से लोगों का हार्मोन अनबैलेंस हो जाता है, तो हार्मोन बैलेंस करने के लिए भी फैट बहुत जरूरी होता है। अगर मैं नेक्स्ट फंक्शन की मैं बात करूं, पीपल फील फुल व्हेन वी टेक गुड फैट। अगर हम अच्छा फैट लेंगे तो हमारा पेट भरा भरा महसूस होगा और हम फालतू की चीजें नहीं खाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट फंक्शन की मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, फैट्स बूस्ट आवर ब्रेन फंक्शन। हमारे ब्रेन फंक्शन को भी फैट बहुत अच्छा करता है। आपको मैं बता दूं, 60% हमारा ब्रेन फैट से बना होता है। अगर हम रेगुलर इंटरवल में गुड फैट लेते रहेंगे तो हमारा ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा। और एक चीज मैं बता दूं, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी फैट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इतने सारे फायदे मैंने आपको बताया, क्या क्या फैट होता है, कितने टाइप्स के फैट होते हैं। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है गुड फैट में, आप देखे होंगे ओमेगा थ्री में और ओमेगा सिक्स में मैंने कुछ चीजें सेम बोली हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जिसमें ओमेगा थ्री और ओमेगा सिक्स पाए जाते हैं दोनों, लेकिन किसी में ओमेगा थ्री ज्यादा पाया जाता है, किसी में ओमेगा सिक्स ज्यादा पाया जाता है। आपको बैलेंस करके लेना होता है। मैं सभी का लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको ध्यान से देखना है और गुड फैट चूज करना है अपने हेल्थ के लिए। बैड फैट को आप गोली मारो, गुड फैट को सेलेक्ट करो, अपनी सेहत को अच्छा करो। और अब इस वीडियो को अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक का जो 200 टारगेट है उसको पूरा करना है। अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो उसको दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं बहुत बेहतर होने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।